आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊं कि आप लोग किस तरीके से SBI सिक्योरिटीज की मदद से आप लोग ई वोटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल पर जाना है, वहाँ पे SBI सिक्योरिटीज सर्च करना है। तो देखिए, हमारे सामने पहली वेबसाइट आ गई है SBISecurities.in, इसको आप लोग खोल लेना है। देखिए, हमारे सामने वेबसाइट खुल चुकी है, तो आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो देखिए, हमारे सामने लॉगिन पेज आ गया है, तो यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट कोड डालना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। देखिए, मैंने जो एरो बनाया हुआ लिखा हुआ ई वोटिंग, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ CDS और NSDL, तो आपका जो भी डीमैट अकाउंट आप लोगों को वो चुन लेना है। चलिए हम चुन लेते हैं। देखिए, हमने NSDL पे क्लिक किया है, तो देखिए हमारे सामने एक नया पेज आ गया है। देखिए, हमारे सामने NSDL ई वोटिंग वाला पेज खुल चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं जो मैंने एरो बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ लॉगिन, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। देखिए, हमारे सामने लॉगिन पेज खुल गया है, तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी डालना है। तो इसमें आप पासवर्ड की मदद से भी लॉगिन कर सकते हैं, OTP की मदद से भी। चलिए हम पासवर्ड की मदद से लॉगिन करते हैं, कैप्चा डाल के डब्बे पर टिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने नया पेज आ गया है, तो देखिए जो मैंने एरो बना हुआ लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देंगे। तो देखिए, हम NSDL के पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। देखिए, आपके सामने जितनी भी ई वोटिंग पेंडिंग होगी उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए, जो मैंने एरो बनाया हुआ है वहाँ लिखा हुआ ई वोट, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। देखिए, हमारे सामने नया पेज आ गया है। देखिए, मैंने जो एरो बनाया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने बैलेट फॉर्म खुल चुका है। तो देखिए, जो कंपनी जो भी रिजोल्यूशन लेकर आई है, आप लोग अपनी वोटिंग में जब खोलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपके वोटिंग राइट्स फॉर, अगेंस्ट, अबस्टेन, आप जो भी करना चाहते हैं। देखिए, हम कंपनी के साथ वोट देना चाहते हैं, हम फॉर पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए, सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप मैसेज लिखकर आएगा, और यहाँ पे आर यू श्योर वाला, तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। अब जैसे इसमें आप लोग क्लिक कर देंगे, देखिए आपका एक मैसेज लिखकर आ जाएगा कि हमारा वोट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। आप लोग ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने नया पेज आ जाएगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे और वापस से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। देखिए, हमारा लिखकर आ गया कि हमारा वोट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप लोग भी अपने SBI सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग अकाउंट से इसी तरीके से ई वोटिंग कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।